तो भाई लोग आपको ना थंबनेल से उतना क्रिस्प आइडिया तो नहीं हुआ होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है, बट टाइटल अगर आपने ध्यान से देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे हम ना एक ओवरसाइज शर्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, ये अब्स्ट्रैक्ट प्रिंट में है और ना जो लोग जेन जी हैं उनके लिए ना ये मस्ट हैव होगा। आपने देखा होगा कि ये फैशन काफ़ी धड़ल्ले से चल रहा है और ये मे भी अगस्त में ना कैजुअल शर्ट्स की वीडियो काफ़ी सारी आएंगी और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मंथ में विंटर वेयर के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको कैजुअल आउटफिट्स कुछ भी चाहिए, शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, तो इस वाले मंथ के सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। इस वाले शर्ट के बारे में बात करने वाले हैं, इसके प्राइस, फिटिंग, अनबॉक्सिंग सब कुछ, इसकी साइज चार्ट कितनी है और आपको कौन सा साइज फिट आएगा सब कुछ बता के जाएंगे। उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई आप देखो ना अपने चैनल पे काफ़ी सारे लोग विजिट कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो भाई सब्सक्राइब करने में आपका कोई हर्ज नहीं है, कोई घाटा नहीं है, सब्सक्राइब करिए। जितना आप सब्सक्राइब करोगे ना अपने नंबर बड़े होंगे, उतना ही मैं ब्रांड से कनेक्ट कर पाऊंगा और आपके लिए अच्छे अच्छे ब्रांड्स लेके आ जाऊँगा और उनके डिस्काउंट कूपन्स भी लेके आऊँगा। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए, नंबर को बढ़ाइए, यूट्यूब नंबरों का खेल है, तो मेरा थोड़ा हेल्प इसमें करिए। तो चलिए फटाक से अनबॉक्सिंग वाले पार्ट को देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे आगे बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को अच्छे से फॉलो करते होंगे ना तो आपको पता चल रहा होगा कि अगस्त के महीने में केज की काफ़ी सारी अनबॉक्सिंग अपने चैनल पर हुई है और हॉल वीडियो भी हमने पब्लिश किया है। तो आपने जो मटेरियल मेरे हाथ में अभी देखा है वो इससे ही निकला है और जो मेरा काफ़ी प्यारा और फेवरेट एक का शर्ट होने वाला है। चलिए मैं इसको ओपन करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ कि इसकी मटेरियल कैसी है। अभी जहाँ तक मैं पॉलीथीन में देख रहा हूँ ना तो ये ट्विल वीव से मिलके बना हुआ है और कॉटन मटेरियल से मिलके ये बना हुआ है और काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है। भाई 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 भाई, भाई। काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है, छूने से ही पता चल रहा है कि काफ़ी सॉफ्ट है। और आप ऐसे देखो, ये देख सकते हैं अगर फिट आ गया, ये थोड़ा सा तो फिट मेरे में ओवर साइज लग रहा है, ओवर साइज फिट लिखा भी है, लग क्या रहा, ओवर साइज फिट लिखा भी है, इसको हमने ओवर साइज फिट में ऑर्डर किया है। और आप प्रिंट देख लो, प्रिंट थोड़ा सा टेक्सचरस है, ट्विल वीव में है, कॉटन मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। आप कफ पार्ट देख सकते हैं, ऐसा कुछ कफ पार्ट अपने को देखने को मिल जा रहा है, कफ यहाँ डबल स्टिचिंग मिल जा रही है, सिंपल सिंगल स्टिच यहाँ पे है और लाइक्रा मिक्स है क्या, ऐसा कुछ तो लग रहा है कि लाइक्रा मिक्स होगा लेकिन लाइक्रा मिक्स नहीं है, बट मटेरियल इतना सॉफ्ट है तो मेरे को लग रहा थोड़ा सा विस्कस भी इसमें होना चाहिए। मैं देख लेता हूँ कौन से मटेरियल मिलकर, अब विस्कस क्या 100% विस्कस से मिलकर ही बना हुआ है क्योंकि वो बैलूनिंग टाइप का फील आ रहा था ना, तो उसी से लग रहा था कि ये कॉटन नहीं है, कॉटन का ही एक डेरिवेटिव टाइप का मटेरियल होता है, वो विस्कोस होता है, उससे ये मिलके बना हुआ है। ठीक है, स्टिच जो है ना वो जो जींस में स्टिचिंग की जाती है वही स्टिचिंग दी गई है। ये ओवर साइज फिट में है, पीछे की तरफ से आप देख लो तो पीछे कुछ इस तरीके का दिख रहा है, प्रिंट पूरे ऑब्स्ट्रैक्ट टाइप का प्रिंट है कि थोड़ा सा आपको ना अलग हटके दिखाएगा सारे उसमें। तो अभी मैं साइज़ की मेजरमेंट क्या लूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा, ओवर साइज़ में हमने मंगाया है, एम साइज़ में है, तो चलिए मैं देख लेता हूँ कि एम में ना ओवर साइज़ में इन्होंने कितना दिया है। तो थोड़ी आराम से मेजरमेंट लेनी होगी, तो 46 अपने को चेस्ट देखने को मिल रहा है, मतलब जनरली मैं 42 तक पहनता हूँ बट मेरे में ये 4 इंच का डिफरेंस देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब मैं आपको मटेरियल और भी पास से दिखा दूँ कि थोड़ा आप और अगर लेना है तो कन्विंस हो जाओ। और ये काफ़ी लाइट वेट है, विस्कोस है तो लाइट वेट होगा बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो गाइस आई होप आपने अनबॉक्सिंग वाले पार्ट को देख लिया है, अब आ जाते हैं इस कपड़े के मटेरियल के ऊपर। तो गाइस यहाँ पे जो अपने को मटेरियल मिल रहा है ना वो 100% विस्कस मटेरियल मिल रहा है, मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है, ब्रिदेबल है और आपके बॉडी पे ड्रेप और फॉल काफ़ी अच्छा बनाता है। साइज में थोड़ा सा इशू है, आप वीडियो को पूरा देखिए मैं आपको समझा के जाऊँगा। प्राइस की बात कर ले, 539 के प्राइस में आपको ये शर्ट मिल जाने वाला है, उस हिसाब से ये काफ़ी वर्थ है, मतलब प्राइस के हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। लिंक दे दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब आ जाते हैं फिट के ऊपर, तो अगर मेरे में फिट की बात करें ना भाई तो ये कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स फिट है मेरे में, मैंने इसको ना एम साइज में मंगाया है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है मेरे में, आप देख रहे होंगे कि जो मटेरियल है, जो कपड़ा है मेरे पे काफ़ी फील हो रहा है, स्लीव्स पर भी काफ़ी एक्युमुलेशन हो रहा है, लेंथ भी थोड़ी बड़ी है और चेस्ट पर भी काफ़ी वाइडर है, तो मेरे को एम साइज के लिए ना जाकर इसका जो साइज अवेलेबल है एस साइज से लेकर एक्सेल तक है तो एस के लिए जाना चाहिए था। तो अगर आपका बॉडी टोर्सो मेरे हिसाब से है, मतलब कि
38 आपका चेस्ट है, हाइट 5.8 इंचेस की है, तो आप इसके एस साइज के ले जाइए। अदरवाइज अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं या आपका चेस्ट 40 है 41 है तो आप एम साइज के लिए जा सकते हैं। ओवर साइज का फिट है, काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है वो लोग काफ़ी ओवर पहनते हैं और उसमें कॉन्फिडेंट रहते हैं और कैरी कर लेते हैं उसको, बट काफ़ी लोग नहीं रहते, जैसे मैं हूँ, मैं उतना ओवर में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। जैसे ये मेरा ओवर साइज टी शर्ट है तो मुझे ये अच्छा लगता, अब यही ज़्यादा ओवर रहता तो मुझे उतना बढ़िया नहीं लगता और मुझे पहनना भी पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप उस टाइप के हो, आपको अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं इस वाले शर्ट को। अगर आप बॉडी, मेरे बॉडी टॉर्सो के हिसाब से, तो एम के लिए भी जा सकते हैं या एस साइज के लिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कन्फ्यूजन है आपको कि आप थोड़ा ज़्यादा ही हेल्दी हैं और थोड़ा और वाइडर चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी है आप बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो गाइस आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, इस शर्ट की मटेरियल से लेकर फिटिंग तक। कोई कमेंट की कन्फ्यूजन, नीचे आपका स्वागत है। वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मैंने उम्मीद कर लिया है कि आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, साथ ही साथ लाइक भी कर दिया होगा, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए दो चार दोस्तों को जो ऐसे फैशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ, क्योंकि इतने सारे कपड़े हैं, सारे के सारे इंडिविजुअल वीडियोज भी आपको मिलेंगे और हॉल वीडियोज में भी एक साथ मैं इनको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस चलिए मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रन, अलविदा, मसलमा, टेक केयर एंड डू वॉच एवरीवन, माय लवली फ्रेंड्स।